Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. यूपी के मऊ में नेशनल हाईवे में दिए जा रहे मुआवजे के पैसे को हड़पने के लिए भूमाफियाओं की मिलीभगत सामने आई है। दरअसल ये पूरा मामला धौरीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसावतपुर गांव का है, जहां स्वर्गीय रामचंद्र यादव के दो बेटों विनोद यादव और प्रमोद यादव की जमीन बन रहे हाईवे के अंतर्गत आ गई। बड़ा बेटा विनोद काफी समय से लापता है, लेकिन प्रमोद ने भूमाफियाओं की मिलीभगत से किसी बेचू सोनकर को अपना लापता भाई विनोद बताकर हाईवे का मुआवजा ले लिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कूटरचित अभिलेखों के आधार पर दस्तावेज बना करके फर्जी बैनामा करने के विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और विवेचना की जा रही है। मेरी अभी प्रभारी निरीक्षक से वार्ता हुई, गिरफ्तारी के बाबत अभी तक कोई ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण या अभियुक्तों के न मिलने के कारण गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। मेरे द्वारा निश्चित किए गए साक्ष्य अगले करके शीघ्र विधि कार्रवाई करें।